बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। भविष्य फल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं 13 मार्च 2021 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, क्या संकेत दे रही है आपके जन्म की तारीख। सबसे पहले बात करते हैं लकी नंबर 1 की। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक या लकी नंबर बनता है 1। एक नंबर वाले आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अनजान लोगों पर भरोसा ना करें, जो भी काम करना है अपने नज़र के सामने लोगों से करवाएं या खुद करें, और अपने अंदर पॉजिटिविटी को और बढ़ाने की कोशिश करें। नेगेटिव विचार आपके दिमाग में ज़्यादा जगह ना बना पाए, आपके ऊपर हावी ना हो पाए, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना है। यदि कहीं यात्रा पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अनुकूल समय नहीं है, शनिवार का दिन है, लंबी दूरी की यात्रा ना करें, अच्छा रहेगा। घर परिवार वालों के साथ वक्त बिताएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। उपाय क्या करें कि आज किसी एक गरीब को भोजन करा दें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बारी आ गई लकी नंबर 2 की। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 2। दो नंबर वाले अपने कॉन्फिडेंस को और बढ़ाने की कोशिश करें। आपके अंदर जो कैपेसिटी है, जो टैलेंट है, उसके दम पर बहुत आगे तक आप जा सकते हैं। ज़रूरत है खुद को मोटिवेट करने की, तो अपने मनोबल को बढ़ाइए, अपने काम पर लगे रहिए, अपनी एनर्जी को और ज़्यादा अपने काम पर लगाने की ज़रूरत है। इधर उधर की चीज़ों से ध्यान हटा करके काम पर फोकस करेंगे, आपको अच्छी सफलता मिलेगी। समय शुभ है, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। उपाय क्या करें कि आज दुर्गा चालीसा पढ़ के काम शुरू करें, सब शुभ होगा। बारी आ गई लकी नंबर 3 की। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 3। तीन नंबर वालों को आज अपने घर परिवार वालों के सहयोग से कार्यों में सफलता मिलेगी, घर में खुशहाली और बढ़ेगी। बस आपको आलस्य छोड़ करके हर काम को सही समय पर करना है। और हाँ, घर परिवार के लोगों की बात, उनकी सलाह को इग्नोर ना करें, उनकी बात सुन लें और जो बातें अच्छी हों, ठीक हों, उनको अवश्य मान लीजिए। दिन अच्छा है, निवेश से आपको लाभ होगा। उपाय क्या करें कि आज अपने घर के मंदिर में एक सुगंधित धूप जलाएं और इसके बाद काम पर जाएं, बहुत शुभ रहेगा। बारी आ गई लकी नंबर 4 की। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 4। चार नंबर वालों के लिए आज का दिन धन लाभ के योग बना रहा है। यदि आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसा कहीं लगाना चाहते हैं, उसके लिए भी अनुकूल समय है। यदि पैसे की आपको ज़रूरत है, आपने किसी से पैसा मांगा है या आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, वो वापस आने वाला है, तो वो भी मिल जाएगा। धन के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा है, इस दिन को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करिए, प्रयास करिए, आप अच्छा पैसा प्राप्त कर सकते हैं। यदि कहीं टूर पर जाना चाहते हैं, यात्रा पर जाना चाहते हैं लकी नंबर 4 वाले, तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा, आगे चल के उससे आपको अच्छी रिजल्ट की प्राप्ति होगी। विशेष क्या है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, खान पान ठीक रखना है, जिससे स्वास्थ्य न बिगड़ने पाए। उपाय क्या करें कि आज किसी गरीब को लाल रंग के फल का दान करें, इसके बाद काम पर जाएं, बहुत शुभ रहे। बारी आ गई लकी नंबर 5 की। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक बनता है 5। पांच नंबर वालों के लिए आज का दिन आपके कार्यों को और गति प्रदान करने वाला है, यानी आपके काम तेज़ी से होंगे, बस आप अपनी तरफ से थोड़ा और जोर लगाइएगा, अपनी तरफ से शुरुआत करिएगा, इनिशिएट आपको करना है, तो कोशिश करिएगा, आपको अच्छी सफलता मिलेगी, आपके काम बनेंगे। जो काम कहीं अटके हुए थे उनके लिए प्रयास तेज करने होंगे। घर परिवार वालों के साथ जो अपने मन की बात कहना चाहते हैं, उसके लिए समय अनुकूल है, आप बात कहेंगे, बात बन सकती है। विशेष बात आपको ख्याल ये रखनी है कि अपनी वाणी
में संयम रखना है, जो भी बोले सोच समझ करके बोलिएगा और विनम्रता का भाव वाणी में भी दिखे और व्यवहार में भी दिखे, इस बात का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। उपाय क्या करें कि आज किसी एक गरीब को जो भोजन आप करें उसी तरह का भोजन करा दें, बहुत शुभ रहेगा। बारी आ गई लकी नंबर 6 की। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है 6। 6 नंबर वालों के लिए आज धन लाभ के योग बन रहे हैं, पैसा आपको मिलेगा। धन से रिलेटेड जो एक्टिविटी करना चाहते हैं वो एक्टिविटी बढ़ा दीजिएगा, उससे फ़ायदा होगा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं लकी नंबर 6 वाले, उन्हें व्यापार से फ़ायदे के योग बन रहे हैं। आप कोई नया एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, नई डील कर सकते हैं, उसके लिए भी समय अनुकूल है। उपाय क्या करें जिससे और शुभता बढ़े, आज अपने घर के मंदिर में केला लेके आइएगा, एक दर्जन केले का भोग लगा के गरीबों को प्रसाद बांट दीजिएगा, बहुत शुभ रहेगा। बारी आ गई लकी नंबर 7 की। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख की या 25 तारीख को हुआ है उनका मूलांक बनता है 7। 7 नंबर वाले अपने मन में किसी भी तरह की टेंशन को बढ़ने ना दें, धैर्य से अपना काम करते रहिए। टेंशन रखेंगे तो उसका असर आपके काम पर पड़ेगा। और जो एक्टिविटी आप करना चाहते हैं, मान लीजिए बिजनेस में कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं या जॉब से रिलेटेड कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, तो अभी कुछ दिन रुक जाइए, उन फैसलों में जल्दबाजी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये समय हर काम सोच समझ करके धैर्य से करने का है, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए, खान पान ठीक रखिए और यदि कोई दवा ले रहे हैं तो समय पर लेते रहिए। उपाय क्या करें कि आज अपने घर के मंदिर में स्नान ध्यान करके बैठिए और सुंदर कांड का पाठ करें, बहुत शुभ रहेगा। बारी आ गई लकी नंबर 8 की। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है उनका लकी नंबर है 8। 8 नंबर वालों के लिए आज का दिन शुभ है। घर परिवार वालों से, आपके जो करीबी मित्र हैं उनसे कोई शुभ समाचार मिल सकता है। जो लोग आपसे थोड़ा दूर रहते हैं घर से, उनसे शुभ समाचार मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा, कार्यों में मन मुताबिक सफलता मिलने के योग है। बस आलस्य छोड़ करके अपनी तरफ से प्रयास को और बढ़ाना होगा। यदि कहीं यात्रा पर जाना चाहते हैं उससे भी आपको लाभ होगा। उपाय क्या करें कि आज भगवान शिव का जो मंत्र है, शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इसका 21 बार जाप कर लें, इसके बाद काम पर निकलें, बहुत शुभ रहेगा। बारी आ गई लकी नंबर 9 की। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को हुआ उनका मूलांक बनता है 9। 9 नंबर वाले अपने कार्यों को और तेज़ी से करने का प्रयास करें। जो आपने प्लानिंग बना रखी है उसके इम्प्लीमेंटेशन का टाइम शुरू हो चुका है, तो कार्यों को तेज करने के लिए और कोशिश करिए, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करिए, इधर उधर से हटा करके अपने फोकस में, अपने लक्ष्य पर लगाइए, आपको सफलता मिलेगी। ये समय खूब मेहनत करने का है ताकि फ्यूचर में आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। घर परिवार वालों से आपको सहयोग मिलेगा और मित्रों की मदद से आपके कार्यों की गति और बढ़ सकती है, आप अपने मित्रों से मदद ले सकते हैं। उपाय क्या करें, आज अपने घर के मंदिर में लाल रंग के फल या लाल रंग की मिठाई का भोग लगाएं और इसके बाद प्रसाद गरीबों को बांट दें, बहुत शुभ रहेगा। भविष्य फल में आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। भगवान कृष्ण आप पर कृपा करें, आपकी मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए जय श्री कृष्ण।